फोन आ रहे हैं जो बोल रहे हैं कि हमने कनाडा का वर्क परमिट लेना है, वर्क परमिट पे हम कनाडा जाकर सेटल होना चाहते हैं। अगर आपकी इच्छा है कि आप वर्क परमिट पर कनाडा जाकर सेटल होना चाहते हैं तो आपकी +2 की होनी चाहिए, कम से कम क्वालिफिकेशन जो रखी गई है वो +2 है। और अगर आपने ITI का ट्रेड का कोई भी कोर्स किया हुआ है तो आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और अगर आपने डिग्री की हुई है तो कम से कम आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आप सिक्योरिटी गार्ड का वर्क परमिट भी ले सकते हैं, डाटा वेयर हाउस का ले सकते हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर का वर्क परमिट ले सकते हैं, इलेक्ट्रिशियन का वर्क परमिट ले सकते हैं, या लैंडस्केप सुपरवाइजर का वर्क परमिट भी आपको मिल सकता है। और भी काफी ज्यादा वर्क परमिट है जो आप ले सकते हैं। ज्यादा डिटेल में अगर आपने जानकारी लेनी है तो आप हमारे पीछे दिए नंबर्स के ऊपर कॉन्टेक्ट करके हमसे बातचीत कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं, या फिर आप हमारे ऑफिस में आके हमसे मिल सकते हैं। आपको बिल्कुल कनेडियन रूल्स के अकॉर्डिंगली ही सारी जानकारी दी जाएगी, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप सही रास्ता अपना कर कनेडा जाकर सेटल होएं। सो प्लीज वीडियो को ज्यादा ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि ये वीडियो उन पर्सन तक जरूर पहुंचे जो कनेडा वर्क परमिट लेकर जाना चाहते हैं। थैंक यू।